अरे दिवाली तो आ रहा है, इस पाइप से क्या बना सकते हैं? आइडिया टुडे चलता हूँ, इस पाइप से कुछ बनाता हूँ। चले दोस्तों, वो पाइप को यूज करके ऐसे सीट बना लिया हूँ। अब यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर छोड़कर इसको हीट करके बेंड कर देंगे। से और दो पेप्सी सीट लेता हूँ, ये दो पेप्सी सीट को फैब्रिक से चिपका लेता हूँ। अब दोस्तों देखिए, इसको मैं सैंड पेपर से घिस लिया हूँ। और यहाँ पर दो रोलर बनाने के लिए पाइप चाहिए। मैं चलता हूँ छत पे और एक पुराना वाला टेबल फैन बनाए थे जो YouTube वीडियो में भी है, उससे वो पाइप को निकाल लिया हूँ। उस पाइप को दो पीस करके मैं कट कर देता हूँ एक्सो के मदद से। और पीवीसी शीट से यूसो के मदद से कुछ ऐसे ही सर्किल जैसे पीवीसी पाइप को कट कर देकर इसके ऊपर फैब्रिक से चिपका दें। और दोस्तों, इस पाइप को पुली जैसे यूज करने के लिए मैं चारों तरफ डबल स्ट्रेचेड टेप लगा दे रहा हूँ। और ये जो एल्युमिनियम शीट को मैं कट कर दिया हूँ, इसको पाइप के चारों तरफ हमें लगाना है। और पाइप के चारों तरफ कैसे लगाने से कैसे इफेक्ट आता है, चलिए वीडियो में बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखिए, इस रोलर में 3 बार यहाँ पे लपटा हुआ है, तो एक ही बार में तीनों लाइट एक ही बार में तीनों लाइट का चेन आपका जलेगा। तो ये चाहते हैं तो रनिंग इफेक्ट के लिए एक ही टाइम में एक लाइट चेन चलना चाहिए, ऐसे चाहते हैं तो इसको खोल कर एक ही बाहर लपटाना है, एक ही बाहर घुमाना है इस पाइप के चारों तरफ एक ही बार, ऐसे ही एक टाइम में एक ही लाइट आपका ग्लो करेगा। ऐसे करेंगे तो ये रनिंग इफेक्ट देगा। तो आप हम बट इस वीडियो में मैं तीन टाइम इसको घुमाया हूँ, तो एक ही बार में तीनों लाइट जैसे ऑन हो। आप एक बार में एक लाइट चेन मतलब ऑन होना चाहते हैं तो एक ही बार इसको घुमाना ऐसे ही, बस इस प्रकार कुछ। अब इस प्रकार से कुछ मैं घुमा लिया हूँ इसके चारों तरफ। यहाँ पे देखिए एक ही टाइम में मतलब एक ही बार रोटेट करना है। जैसे यहाँ पे हमारा एसी लाइन दिया जाएगा, एक पत्ती से एसी लाइन दिया जाएगा, नहीं तो इसमें सप्लाई जाएगा रोलर को। तो एक ही बार यहाँ पर घुमाने के बाद इसके बाद स्पाइरल जैसे घुमा देना है चारों तरफ। ऐसे ही आपको कुछ दो रोलर रेडी कर देना है। अब इस पाइप में दो होल कर देना एल्युमिनियम, इस एल्युमिनियम रॉड को इसके अंदर डालने के लिए। और बॉडी में भी ऐसे ही आपको एल्युमिनियम रॉड से बॉडी में होल कर दिया हूँ। अब ऐसे ही कुछ एल्युमिनियम स्ट्रिप में कट कर दिया हूँ। हाथ में ग्लव्स रहना चाहिए, नहीं तो सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इससे हम ऐसे छोटा छोटा पीस कुछ बना लिया हूँ एल्युमिनियम से। अब दो ऐसे पीवीसी शीट लेना है, पीवीसी शीट में ऐसे ही कुछ स्लिट जैसे कट कर दिया हूँ। ये सारे एल्युमिनियम पत्ती को इसके अंदर डाल देंगे। इसके ऊपर वायर कुछ मैं सोल्डिंग कर देता हूँ। ऐसे ही दो पीस हमको बना लेना है। अब एक छोटा सा गियर मोटर लेंगे, इसके लिए यहाँ पे पीवीसी का बॉडी में छेद कर दिए हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए, मैं कुछ नॉट वोल्ट छोटा छोटा 8-8 ऐसे 16 पिन इसमें भी डाल दिया हूँ। ये सारे पत्ती को कनेक्ट करने के लिए एक ऐसे ही मैं छोटा सा यंत्र पेन ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये गियर मोटर के साथ ये अच्छे से फिट हो रहा है। अब इस जो फैन में ऐसे ही एक छोटा सा एल्युमिनियम रॉड इसमें डाल दिया हूँ और एक छोटा सा पीवीसी शीट ले रहा हूँ। इसको ऐसे ही कट करके यहाँ पे फेविक्विक से चिपका देता हूँ। अब ऐसे ही छोटा छोटा पीवीसी शीट कट कर दिया हूँ और इसको चारों तरफ फेविक्विक से चिपका देता हूँ। और ये जो दो ब्रोसेस एल्युमिनियम का ब्रोसेस बनाए थे, इसको भी फेविक्विक के मदद से चिपका लेना है इस प्रकार से कुछ। और ये रोलर को इसके अंदर एल्युमिनियम रॉड के मदद से फिट कर देना है। अब थोड़ा जरूरी बात है, यहाँ पे देखिए, दो रबर बैंड ये रोलर के अंदर मैं डाल दिया हूँ और यहाँ पे एल्युमिनियम जो रॉड था उसको मैं मोड़ दिया हूँ। और यहाँ पे देखिए, ये अच्छे से रोटेट कर रहा है। अब इसके अंदर ये फैन और गियर मोटर को भी डाल देना है। डालने से पहले यहाँ पे देखिए, एक रबर बैंड को यहाँ पे क्रश करके इस जो गियर मोटर का फैन शाफ्ट है इसके साथ लगाना है। और एक सिंपली डायरेक्ट जो येलो वाला रबर बैंड है ऐसी क्रॉस करके इसके अंदर कुछ इस प्रकार से डालना है। और दूसरा सिंपली जैसे मतलब स्ट्रेट रबर बैंड, नॉर्मली जैसे रबर बैंड डालते हैं ऐसे ही डालना है और इसको फिट कर देना है। ऐसे करेंगे तो क्या होगा ना, एक हमारा ये जो दो रोलर है वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। अब देखिए, मैं
साइकिल जो ट्यूब होता है उससे ऐसे ही कुछ बेल्ट जैसे बना लिया हूँ। ये अच्छा से काम कर रहा है देखिए। और ये सारे पत्ती का वायर को ये नॉट से इसलिए सीरियली मैं कनेक्ट कर दिया हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं फुली सिस्टम से और बेटर बनाने के लिए दो मोटर यूज कर रहा हूँ और ये दोनों क्रॉस करके मैं लगाऊंगा जैसे कि ये रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वायर फीमेल जो कनेक्टर रहता है उससे मैं कनेक्ट कर दिया हूँ। और आपको ऐसे कनेक्शन करना है जैसे ये दो रोलर अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। इस प्रकार से चेक करके आपको ऐसे सारे वायर कनेक्ट कर देना है। और थोड़े दोस्तों देखिए टेस्ट करने के लिए यहाँ पर मैं चार्जर को कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए अच्छे से घूम रहा है। और एक चेक करके यहाँ पर एक 10K का वेरिएबल रेजिस्टर लगा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए VT136 एक ट्रांजिस्टर ले रहे हैं। उसका पहला वाला पिन वेरिएबल रेजिस्टर का एक नंबर पिन के साथ और ट्रांजिस्टर का एक नंबर पिन के साथ कनेक्ट करना है। और ट्रांजिस्टर का थर्ड नंबर पिन और वेरिएबल रेजिस्टर का दो नंबर पिन में कनेक्ट करना है। इसके बाद जो हमारा चार्जर से नेगेटिव वाला पिन हमें एक नंबर पिन के साथ ट्रांजिस्टर और चार्जर का पॉजिटिव वाला पिन हमारा वेरिएबल रेजिस्टर का तीन नंबर पिन के साथ कनेक्ट करना है। दोस्तों क्या करेंगे, हम छत पे चलते हैं फिर से। ये एक टॉय कार से हमारा जो प्लास्टिक का सीट मिल गया उससे मैं इसको ऊपर कवर कर दिया और थोड़ा इसके चारों तरफ लैपटॉप से सील कर दिया। और यहाँ पर थोड़ा मोटर का भी कनेक्शन दे दीजिए, जो मोटर का हमारा नेगेटिव वाला है उसको हमें जो ट्रांजिस्टर का विजुअल पिन के साथ कनेक्ट करना है जो बचा था। और पॉजिटिव वाला पिन सिंपली चार्जर का पॉजिटिव वाला पिन के साथ कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर एक मैं प्लास्टिक का नॉब भी इसके अंदर डाल देता हूँ। अब हमारा चार्जर बन के रेडी हो गया। अब थोड़ा टेस्ट कर देते हैं 5 वोल्ट सप्लाई देकर। अब जैसे ये नॉब को हम घुमाएंगे इसका स्पीड को भी कंट्रोल कर पाएंगे। अब दोस्तों चलिए हम ये सारे एलईडी लाइट का जो चेन है इसमें कनेक्ट करना सीखते हैं। जहाँ पर एक मतलब पत्ती है जो हर वक्त टच होके रहता है रोलर से, वो उसमें हमारा एक पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं। और अब जो सारे जो झलर लाइट है उसमें जो नेगेटिव वाला वायर है सिर्फ एक एक नोट के साथ हम पहले कनेक्ट कर देते हैं। चलिए ऐसे ही सारे झलर को एक एक पिन के साथ मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब इसमें जो पॉजिटिव वाला पिन बचाना हमारा जो सारे झलर लाइट का, उसको एक साथ में कनेक्ट करके और एक हमारा जो पावर सप्लाई में एक लाइन बचा उसको वहाँ पर कनेक्ट कर देना है। पॉजिटिव नेगेटिव देख कर अच्छे से करना। एक बार यहाँ पर नहीं चलेगा तो उसको पॉजिटिव नेगेटिव को उल्टा कर देना कनेक्टर का सिर्फ। तो ये हमारा डीसी वाला एलईडी लाइट सारे है तो मैं यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई दे दिया हूँ। ये चल रहा है अजीली, देखिए कैसे झलक अच्छे से रनिंग कर रहा है। देखिए जो एसी वाला झलर लाइट होता है उसमें क्या करना है ना, ऐसे ही सिंपली कनेक्शन करना है। यहाँ पर जो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर डीसी सप्लाई दे रहा हूँ सकट से, उसके बदले डायरेक्ट एसी लाइन दे देना है। बस सिंपली हो गया रेडी। यहाँ पे दोस्तों देखिए सीरियली लेफ्ट से राइट चल रहा है और यहाँ से राइट से लेफ्ट चल रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रनिंग कर रहा है। तो आपको ये सारे मतलब झलर लाइट को कॉम्बिनेशन करके एक डिजाइन भी आप बना सकते हैं। ये हमारा दो रोलर झलर मतलब चेजर मशीन का फायदा है। तो यहाँ पर ऐसे लेफ्ट से राइट चल रहा है, यहाँ पर राइट से लेफ्ट चल रहा है, ये तो इसको बीच में और लेफ्ट से वहाँ जो स्टार्टिंग हो रहा है उसको बीच में लगा देंगे तो एक अच्छे से। और ऐसे ही ये सारे झलर का पोजीशन चेंज करके आप बहुत सारा कॉम्बिनेशन से डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों आप सब अब तक वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। दोस्तों आप सबको एडवांस हैप्पी दिवाली। एक साल में एक बार दिवाली आता है, साल दिवाली ऐसे बनाना जैसे कि ये लाइफ टाइम आपको याद रह जाए। और इस बार जब भी आप पटाखा वगैरह और एलईडी लाइट सारे जो छत में लगाओगे सेफ्टी को अच्छे से ध्यान से रखकर सब कुछ करना। जैसे ये एक इंटरेस्टिंग एंड मजेदार वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तब तक आप सब वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए। मैं जानता हूँ मैं बोलूँगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है, आप जो सारे करना होगा वो सब्सक्राइब और लाइक वगैरह शेयर वो कर देंगे, बोलने से कुछ सही होता है होता है। बट आप सब मैं जानता हूँ मेहनत लगता है करने में, आप सब जरूर करेंगे सब्सक्राइब लाइक।
तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।